ऑलराइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों. आज का जो डे है वो है संडे. 12:30 हो रही है. मैं आज बहुत लेट उठा था फिलहाल, क्योंकि उसका रीजन ये है कि यहाँ पे हो रही है बहुत तेज बारिश. मतलब यही नहीं, देश भर में बहुत जगह बारिश हो रही है. जूनागढ़ की न्यूज पड़ी, इवन यहाँ पे भी सिलवासा में कल या परसों आई थिंक जो डैम आपने पिछले व्लॉग में देखा था उसी डैम से बहुत सारा कुछ उसे पानी छोड़ा गया था. और बड़ी सैड न्यूज थी कि उसी में एक आदमी था और उसका बच्चा था उस पानी में बह चुके थे एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई. तो मतलब हालात सब जगह खराब है. इसी हालात में मुझे एक काम करना है. आज से कुछ टाइम पहले मैं कुछ विधि चल रही थी, मेरी ताईजी एक्सपायर हो गई थी उस टाइम की बात है. तो कुछ विधि की वजह से पंडित जी ने मेरी माता जी को कहा था कि निखिल के हाथों कुछ दान करवा देना गायों का. तो वही दान अभी तक मैंने किया नहीं है और मेरी मम्मी बोल बोल के मुझे थक चुकी है. तो वही आज मुझे करने के लिए जाना है. श्रावण भी चल रहा है, श्रावण में ये सब दान करना वैसे भी मैं अच्छा मानता हूँ. दान बड़ा सिंपल है. मैं फिलहाल के लिए जाने वाला हूँ गौशाला में. उसके बाद मैं सोच रहा हूँ, श्रावण चालू हो चुका है, मैं आज जाने वाला हूँ वृंदावन में, जो कि शिव जी का टेम्पल है वहाँ पे. वो एम्बियंस बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है. मैं बिल्कुल भी भीगना नहीं चाहता एंड बहुत सारे कपड़े धोए मैंने. दिखाऊं क्या मैं कपड़े? ये देखो, ये पूरी बाल्टी कपड़ा मैंने धोया. चलो बाकी की बातें तो फिर मैं आपको कार में ही करता हूँ. बारिश बहुत तेज होनी स्टार्ट हो चुकी है. चलो फिर निकलते हैं. क्वालिटी में दिक्कत होगी क्योंकि मैंने एक्सटर्नल माइक भी नहीं लगा रखा है. फॉगी फॉगी हो चुका है पूरा. फिलहाल ओआरवीएम में एक फिल्म लगा रखी है जिसके तहत बारिश नहीं आएगी. मतलब बारिश आएगी बट वो स्लिप हो जाएगी. ओए 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 भैया, दोस्तों बारिश फिलहाल बहुत ज्यादा है यहाँ पे. कंटिन्यूसली बारिश 20 दिनों से चली रही है. सिर्फ यही नहीं, इंडिया में सब जगह, मतलब मैं हिमाचल की न्यूज़ देखा वहाँ पे भी बारिश है. उत्तराखंड में भी बहुत तबाही मची है. इवन कल की न्यूज़ में तो मैं देख रहा था कि जूनागढ़ में भी बहुत ज़्यादा बारिश है. मौसम अच्छा लगता है बारिश का, लेकिन जब यही बारिश डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाती है तो ह्यूमैनिटी हिल जाती है उस टाइम पे पूरी. सीन कुछ ऐसा है कि मैं अभी जाने वाला हूँ डोक मंडी में. डोक मंडी करके सिलवासा में एक एरिया है, वहाँ पे गौशाला है. मूवी कौन सी लगी है? मूवी लगी है आदि पुरुष. ओपन हैमर जो मूवी आई है मुझे देखने की बहुत इच्छा है, बट ऐसे बारिश में तो कैसे ही जानेगा. बट कल मैंने एक बहुत बढ़िया मूवी देखी, मतलब बॉलीवुड से मुझे बहुत अच्छी मूवी मिली अमेजॉन प्राइम पे जो रिलीज हुई है, बवाल. बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि मैं हिस्ट्री का ना बहुत बड़ा फैन हूँ और उसमें वर्ल्ड वार टू को, मतलब हिटलर ने जो जो अपने कारनामे किए थे अपनी ग्रेड की खातिर, उसको कंपेयर किया है एक नॉर्मल इंसान की लाइफ से. ये जो पीछे आपको कार सीट दिख रही है ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो मुझे ये चेंज करनी है. उसी के साथ साथ बारिश में पूरी फ्लोरिंग की धज्जियाँ उड़ गई है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया. बारिश अगर थोड़ी रुके सबसे पहले तो कार सीट चेंज कराऊंगा, फ्लोरिंग अच्छी करवाऊंगा और थोड़ी गाड़ी क्लीन करवानी पड़ेगी यार. बारिश पूरी भर चुकी है और यहीं कहीं मेरे ख्याल से वो गौशाला है. पूछना पड़ेगा मुझे किसी से, ये भैया से पूछ लेता हूँ मैं. गौशाला कहाँ है? गौशाला, 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 यही है गौशाला. इधर से जाने का ये वाला जो मीडियम दिख रहा है, ये यही है गौशाला. ये टर्न लेके मुझे जाना पड़ेगा. अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है यहाँ पे. चलो अब अंदर चलते हैं एक बार. अरे 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 अरे, गंदा रास्ता, गंदा रास्ता. गाड़ी सच में बाहर से भी गंदी हो जाएगी, अब तो सर्विसिंग कराना ही पड़ेगा यार मुझे. ओके फाइनली अब पहुंच चुके हैं, गाड़ी बंद कर देते हैं. तो यही है गौशाला, ये यहाँ का एंट्रेंस. पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भैया भैया हो तो उनसे पूछ के. तो दोस्तों मैं मेरी जिंदगी में ज्यादा गौशाला गया नहीं था, लेकिन इस गौशाला में जाने के बाद मुझे इसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है. अब ये जो गौशाला थी वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाई जा रही थी और सबसे अच्छी बात इसकी ये थी कि यहाँ पर कोई रिसिप्ट या डोनेशन वाला सिस्टम नहीं था. अपने हिसाब से आप गाय के लिए चारा लेके आइए और आप खुद ही उनको खिला दीजिए. तो बस मैं भी निकल पड़ा था चारा खिलाने के लिए. बारिश फिलहाल हो रही है और ये है सारी गाय. तो इन भैया के साथ मैं इनके गोडाउन में जाके मैं चारा लेता हूँ और फिर एक एक करके सारी गाय को खिलाना स्टार्ट कर देता हूँ. इन
गाय को चारा खिलाते हुए मेरे मन में पता नहीं क्यों एक अजीब सा ख्याल आ रहा था कि मैं कितनी ही गाय को खिला पाता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गाय है, उन सबको खिलाना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। हम लोग सोचते हैं कि गौशाला जाकर एक दो महीने में गोदान कराएंगे, लेकिन शायद इनकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है। और वही प्रॉब्लम यहाँ के वेटरनरी डॉक्टर मुझे समझाने का ट्राई करते हैं, जो कि आज खुद छुट्टी पे थे, लेकिन किसी एक्सीडेंटल गाय का इलाज करने के लिए वो आ जाए थे। पीछे वाला ब्लैक वाला एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे रोड्स पे भी काफी सारी गाय वगैरह घूमती रहती है, तो कोई भी ठोक के चले जाता है। वो जो है दो तीन एनिमल परमानेंट डिसेबल है, वो डिसेबल है परमानेंट, वो उनका पूरा टूट गया। ये परमानेंट डिसेबल? बिल्कुल बिल्कुल, वो तीन इसलिए हमको वो बेड पे हमने परमानेंट उनको रख दिया। खुद से इनके लिए चारा या भैया जो बता रहे थे ग्राउंड नट्स वगैरह जो रहते हैं वो? हाँ, काफ़ी वेंडर्स है, आपको वेंडर्स के नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे गौशाला में, और उनसे जाके आप खुद खरीद के यहाँ पे इनको खिला सकते हैं। एंड एक्चुअल में कहूँ तो उनको ज़रूरत भी है, क्योंकि काफ़ी सारे गाय आप देख सकते हो, ये इनका पूरा एक्सीडेंट जोन है। यहाँ पे काफ़ी डिसेबल गाइस भी है, किसी किसी को इलाज करके इन्होंने रख रखा है, एंड जब यहाँ से ठीक हो जाती है तो आप वहाँ ट्रांसफर कर। यहाँ के एक बात तो क्लियर थी कि हमारे समाज में गौशाला जैसी संस्था की बहुत जरूरत है, और इस बात को रियलाइज होने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि बहुत बार मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से इन बेजुबान जानवरों को बहुत तड़पना पड़ता है, और उन्हें ऐसी हालत में देख के हम सिर्फ ये सोच के वहाँ से निकल जाते हैं कि मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं पैसे खर्च करके उनको हॉस्पिटल ले जा सकूं, या मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि उनको रिलीफ पहुंचाने में मदद कर सकूं। लेकिन जब आप ऐसी संस्था के बारे में जानते हो तो खुशी होती है कि चलो मैं नहीं सही, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें इन बेजुबान जानवरों की परवाह है। इस गौशाला का काम सिर्फ जानवरों के खाने और इलाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनको ठीक करके उनको प्रोडक्टिव भी बनाया जाता है। यहाँ आने से पहले सिर्फ मेरा मोटिव ये था कि मुझे वहाँ जाके कुछ गायों को गोदान करना है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि भले मेरी कैपेसिटी सारी गायों को रिलीफ पहुँचाने की नहीं है, लेकिन इस वीडियो के जरिए आप में से किसी एक इंसान में भी अगर इंसानियत जगा सकूँ तो बहुत होगा। खुदा ने बहुत सारे जानवर बनाए, बहुत सारे इंसान बनाए, लेकिन सबकी ज़िंदगी सेम नहीं होती है। हम इतने कैपेबल है कि हम जानवरों की हेल्प कर सके, तो ऑफ कोर्स हमें करनी चाहिए। इसी वीडियो को ही मैंने शो ऑफ करने के लिए नहीं किया था। पर्सनली कभी भी मैं मतलब इंटरेस्ट लेके गौशाला को विजिट मैंने नहीं किया है, लेकिन आज मैंने किया, और मतलब मेरे हिसाब से मुझे रेगुलरली करते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान को भगवान ने एक वाइस प्रजाति बनाई है, वो इसलिए शायद बनाई है कि हम स्ट्रेट एनिमल है जिनको हमारी सच में जरूरत है, उनकी हम जाके हेल्प कर सके। और ये वीडियो बनाने का भी मकसद यही था, मैं बहुत सोच रहा था कि गौशाला में जाने वाला वीडियो मुझे नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा और ये कंक्लूजन पे मैं पहुंचा कि सब वीडियोस से अगर थोड़ी भी पॉजिटिविटी किसी भी इंसान में आए तो क्यों ना। फिलहाल के लिए मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ वृंदावन, क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है, श्रावण के महीने में शिव जी के दर्शन ना किए तो क्या। शिव जी के दर्शन करने में जा ही रहा होता हूँ कि अचानक मुझे दिखते हैं ये लोग, जो वैसे तो डांस कर रहे थे लेकिन मुझे देख के रुक जाते हैं। झूठ 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 झूठ, नाच रहे थे गाइस। निखिल राव नाम का चैनल है, निखिल राव में गाड़ी नहीं, बट डांस तो करना पड़ेगा। ये जो भैया है, क्या नाम है आपका? आकाश। तो ऐसा इंग्लिश एक्सेंट क्यों बोल रहे हो? तो अभी ये दोनों भैया मुझे डांस करके दिखाने वाले हैं। अभी बारिश का डांस कौन सा? छम 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 छम। देखो मैं बताता हूँ, पकड़ो सारे के साथ, देखो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू वेरी मच। चलो थैंक यू। निखिल, क्या नाम है? निखिल राव। निखिल राव दादा, आपका मैं अभी जाके साथ करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पार्टी करके आया वो तो चलता रहेगा, चल रहा है पार्टी। अच्छा अच्छा, बीच पार्टी में अभी आके ऐसे डांस कर। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं वृंदावन करने के लिए। तो यही है वो मंदिर, वृंदावन टेंपल शिव जी का।
ऑलराइट गाइस, तो मंदिर के दर्शन करके मेरा हो चुका है। उसी के बाजू में एक गार्डन बन रखा है, वहीं पे मैं आया हूँ। फिर बाजू में नदी जा रही है, तो नदी का आप उफान देख सकते हो। देखो कितना ज़्यादा उफान हो रहा है। तो फिलहाल के लिए प्लान मेरा कुछ ऐसा है कि मैं अभी घर जाऊँगा, खाना खाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, दिखता है मुझे। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में नई लोकेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, चलो बाय 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 बाय।